मां मरियम के लिए समर्पित इस माह का आज 24वां दिन। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। देखो शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। सुलेमान का श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्या 10 और 11। निष्कलंक कुंवारी आदि पाप के सभी दागों से सुरक्षित अपना लौकिक प्रवास समाप्त कर शरीर और आत्मा सहित स्वर्गीय महिमा में उद्गृहित हुई। स्वर्ग में वे ईश्वर द्वारा विश्व की रानी के पद पर सम्मानित की गई, ताकि वे राजाओं के राजा, जैसे हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16, तथा पाप और मृत्यु के विजेता अपने पुत्र के साथ और अधिक समरूप हो जाए, जैसे हम सबों के साथ होने वाला है। स्वर्ग में शरीर और आत्मा सहित महिमान्वित यीशु की माता कलीसिया की अंतिम पूर्णता की प्रतिमा एवं प्रारंभ है। साथ ही इस पृथ्वी पर जब तक प्रभु के दिन का प्रभात ना आवे, जैसे पेत्रुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, वे हम सब प्रवासियों के सम्मुख निसंशय आशा और दिलासा के तारा स्वरूप चमकती है। मां मरियम के स्वर्ग में उद्गृहित होने के पर्व का स्मरण पवित्र माता कलीसिया प्रतिवर्ष 15 अगस्त को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती है। मां मरियम ने जयमान कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं से संभाला है और अभी वे सभी धर्मियों और स्वर्गदूतों से ऊपर उठाई गई हैं कि वे सभी संतों की सहभाग्यता में अपने पुत्र के पास हमारे लिए मध्यस्थता करती रहे, जैसे वह विवाह में की थी। हम आनंद मनाएं तथा इस महान उपकार के लिए परम पिता को हार्दिक धन्यवाद दें। ईश्वर ने विश्व के अंत के पूर्व ही मां मरियम को शरीर और आत्मा सहित जीवित स्वर्ग में उठा लिया। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम मां मरियम प्रभुवर येसु की अति प्रिय मां थी। प्रभु येसु उनके गर्भ में 9 महीनों तक रहे और उन्हीं से शरीर धारण किए। अतः जैसे प्रभु येसु मृतकों में से जीवित होकर स्वर्ग में आरोहित हो गए, उसी प्रकार उन्होंने अपनी माता को भी स्वर्ग में उठा लिया। इसके अतिरिक्त प्रभु येसु ने मां मरियम के शरीर में शरीर धारण किया था। जैसे मैंने कहा, पुत्र का शरीर स्वर्ग में रहे और उनकी प्रिय माता का शरीर धरती के गर्भ में पड़ा रखना उचित ना था। मां मरियम ने इस संसार में प्रभु येसु को संपूर्ण स्नेह दिया, प्रतिदिन उसकी सेवा की। प्रभु येसु की बाल्यावस्था से लेकर उसके पवित्र मरण तक उसने प्रभु येसु के साथ मानसिक एवं शारीरिक कष्ट सहे। इसलिए ईश्वर ने उचित समझा कि मां मरियम शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई, जहां वह सदा सर्वदा अपने पुत्र के समान महिमान्वित होती रहे। यही हमारे साथ भी होने वाला है। हम मां मरियम के पवित्र एवं आदर्श जीवन का अनुकरण करें तथा मरियम के समान एक पवित्र और निर्मल जीवन जीने का प्रयास करें। प्रभु येसु के साथ रहकर शांति प्राप्त करें, तभी हमारी जीवन यात्रा सफल होगी तथा स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। इस महान रहस्य से प्रेरित एक विशेष घटना। संत एंथनी अपने आश्चर्यमय कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा का स्रोत है। हम बात कर रहे हैं पदवे के संत एंथनी। उनका जन्म
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सन 1195 ईस्वी में एक धनी परिवार में हुआ था। उनका जन्म माता मरियम के स्वर्ग में उद्गृहित होने के पर्व अर्थात 15 अगस्त को हुआ था। बपतिस्मा संस्कार के अवसर पर उसकी माता ने उसे कुंवारी माता को समर्पित किया। किशोर अवस्था में उसकी माता ने उसे मरियम के सम्मान में भक्ति गीतों का अभ्यास कराया। यदि किशोर अंदोनी रोने लगता तो उसकी माता उससे मां मरियम की तस्वीर दिखाती और वह उसे देखते ही शांत हो जाता तथा मुस्कुराने लगता था। संत एंथनी 15 वर्ष की आयु से लेकर 17 वर्ष की आयु तक अगस्तीनियन सन्यासियों के साथ रहा। 17 वर्ष की आयु में उसने फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रवेश किया। वहां उसने स्वयं को कुंवारी मरियम के संरक्षण में समर्पित किया। उस समय कई लोग मां मरियम के स्वर्ग में उद्गृहित होने की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते थे। यह सुनकर संत एंथनी बहुत दुखित होता था। मां मरियम ने उससे उज्जवल वस्त्र पहने दर्शन दिया। उस दिव्य दर्शन में मां मरियम ने उससे कहा, मृत्यु के पश्चात मैं शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई हूं। यह जानकर संत एंथनी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने इस तथ्य की खुलकर साक्षी दी। फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रविष्ट होने के पश्चात मिशन सेवा करने हेतु संत एंथनी को अफ्रीका भेजा गया। नीग्रो लोगों ने वहां उसे नहीं सताया, किंतु वापसी के समय उसका जहाज तूफान में फंस गया तथा हवा के बहाव के कारण मिश्र देश जा पहुंचा। वहां एक याजकीय अभिषेक के अवसर पर संत एंथनी का भाषण चातुर्य प्रकट हुआ। लोगों ने उसकी प्रशंसा की और मिश्र भर में सुसमाचार प्रचार के लिए उससे नियुक्त किया गया। मिश्र देश की गलियों और समुद्र तट पर संत एंथनी ने सुसमाचार की घोषणा की तथा लोगों ने उसकी वाणी सुनी। एक बार समुद्र तट पर कोई स्रोत नहीं थे, तब समुद्र की मछलियां एकजुट होकर उसका प्रवचन सुनती रहीं। वास्तव में उस शहर के लोगों ने उनकी वाणी सुनने से इनकार किया था। खोई हुई वस्तुओं को पाने के लिए लोग संत एंथनी की मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। मां मरियम संत एंथनी को बहुत प्यार करती थी, जैसे आपसे और मुझसे करती हैं। एक बार संत एंथनी किसी घर में आराम कर रहा था। उस घर के मालिक ने दरवाजे की चाबी के सुराख से देखा तो ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो मां मरियम नन्हे बालक येसु को संत अंदोनी के हाथों में दे रही हैं। यही कारण है कि हम संत एंथनी की तस्वीर में बालक येसु को उसकी बाहों में देखते हैं। आइए हम भी संत एंथनी के समान मां मरियम से प्यार करें हमारे जीवन के अभ्यास के लिए। मां मरियम और संत एंथनी के आदर्श जीवन का अनुसरण करें तथा पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करें, तभी स्वर्ग सुख प्राप्त कर सकेंगे। अयम प्रार्थना करें। एक हमारी प्यारी मां मरियम, स्वर्ग की महारानी, तेरा पावन शरीर आत्मा सहित मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उठा लिया गया। हमें कृपा दिला कि इस जीवन यात्रा के पश्चात हम भी संतों की संगति में जी उठें तथा स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए पवित्र रोजरी विनती के लिए अपने आप को तैयार करें। सियोन पुत्री हो सुंदर तुम,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन वेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धन्य सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, प्रभु येसु मृतकों में से जी उठते हैं। चिंतन। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ पड़ते ही नारियां ईसा के शरीर को सुगंधित द्रव्य से लेपन करने के लिए कब्र के पास पहुंची। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ और खाली कब्र को पाया। तब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन में कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे जी उठे हैं। बाद में यीशु ने मरियम मग्दलेना, प्रेरितों एवं अन्य अनेकों लोगों को दर्शन देकर उनके जी उठने का प्रमाण दिया। प्रार्थना। हे जीवन के स्रोत प्रभु यीशु, तीसरे दिन मृतकों में से पुनः जीवित होकर तूने मृत्यु और उस पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त कर दिया है। हमारे परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, प्रभु येसु का स्वर्गारोहण। चिंतन, प्रभु येसु ने जी उठने के बाद अपने प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित है। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते थे। इसके बाद येसु ने बथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तभी एक स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, वही प्रभु यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं पिता के यहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हे प्रभु, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी सकें। शोधाग्नि की सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए इस प्रार्थना को समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा दीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा अध्याय, पवित्र आत्मा ईश्वर प्रेरितों पर उतरते हैं। चिंतन, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के 9 दिनों के बाद जब पंतकोस्त का दिन आया और जब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उन्हें सुनने वाले सब लोग बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रार्थना, हे प्रभु, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है और पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों के लिए प्यासी है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि हम तेरे गवाह बने, सभी सुसमाचार के सेवकों और साधना केंद्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। चिंतन, प्रभु येसु के स्वर्गारोहण के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनके प्रिय शिष्य योहन ने माता मरियम को अपने यहां आश्रय दिया। वह यरूशलेम व एफेसुस में रहकर सुसमाचार का साक्षी बनी। पिता ईश्वर ने मुक्तिदाता प्रभु येसु के समान सह मुक्तिदायिका मरियम को भी उनके इस संसार के जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिया। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा मरियम दिखाई पड़ी। प्रार्थना, हे प्यारी मां, तू ईश्वर के शब्द प्रभु येसु को अपने हृदय एवं कोख में वहन करने वाली नए विधान की मंजूषा है। तूने प्रभु के योग्य निष्कलंक एवं विश्वास जीवन बिताया, इसलिए पिता ने प्रभु येसु के समान तुझे कब्र में गलने नहीं दिया। हे प्रभु, हम सब लोगों के शरीर, मन, आत्मा की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवां भेद, मां मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया जाता है। चिंतन, प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। प्रार्थना, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा और धन्यवाद अनंत काल तक होवे। हे प्रभु, तुम मुक्तिदाता आदम और मरियम सह मुक्तिदायी का हेवा है, तो संसार का राजा और मरियम रानी, हम संसार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि देश देश के बीच और सब धर्म के लोगों के बीच तेरा राज्य आवे। हमारे राष्ट्र के नेताओं और धर्मगुरुओं, अधिकारियों आदि के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश में ईश राज्य की स्थापना कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें
और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी हो गए। मरियम माता भक्तों के लिए
माता भक्तों के लिए। प्रभात के मंगल तारे,
प्रभु हम पर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, दया करो हे प्रभु हम पर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे, आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे, आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन।